क्यों, कैसे और कहां मनाया जाता है मकर संक्रांति? चलिए फ्रेंड्स, बिना देरी किए वीडियो को जल्दी से स्टार्ट करते हैं। मकर संक्रांति इंडिया के साथ ही नेपाल में 14 या 15 जनवरी को किसी न किसी रूप में मनाया जाता है। मकर संक्रांति को बहुत स्पेशल माना जाता है क्योंकि ये फेस्टिवल सूर्य से जुड़ा है। ऐसे में ये त्योहार और भी खास हो जाता है। पौष मास के शुक्ल पक्ष में मकर संक्रांति का पर्व मनाया जाता है। संक्रांति के अलावा किसी भी फेस्टिवल की डेट फिक्स नहीं, यानी मकर संक्रांति की तारीख तय है। भारत विविधता में एकता का प्रतीक है और संक्रांति के मौके पर भी विविधता देखने को मिलती है, लेकिन मतलब एक होता है, वो है प्रकृति के प्रति प्रेम भाव। देश के हर हिस्से में मकर संक्रांति सेलिब्रेट किया जाता है, बस उनके नाम अलग अलग होते हैं। सबसे पहले तो जानते हैं कि मकर संक्रांति मनाते क्यों है। फ्रेंड्स, इसके पीछे कई मान्यताएं हैं। सूर्य ही ऊर्जा का सबसे प्रमुख स्रोत है, इसलिए हिंदू धर्म में मकर संक्रांति मनाने का विशेष महत्व है। सूर्य का धनु राशि से मकर राशि में प्रवेश करना ही मकर संक्रांति कहलाता है। इसी दिन से सूर्य उत्तरायण हो जाता है। शास्त्रों में उत्तरायण की अवधि को देवताओं का दिन और दक्षिणायन को देवताओं की रात कहा गया है। शुभ कार्यों की शुरुआत के लिए ये समय अच्छा माना जाता है। शास्त्रों के अनुसार प्रकाश में अपना शरीर छोड़ने वाला व्यक्ति पुनः जन्म नहीं लेता, जबकि अंधकार में मृत्यु को प्राप्त होने वाला व्यक्ति पुनः जन्म लेता है। यहाँ प्रकाश और अंधकार से मतलब है सूर्य के उत्तरायण और दक्षिणायन स्थिति से। संभवतः सूर्य के उत्तरायण के इस महत्व के कारण ही भीष्म ने अपने प्राण तब तक नहीं छोड़े जब तक मकर संक्रांति अर्थात सूर्य की उत्तरायण स्थिति नहीं आ गई। कहा यह भी जाता है कि इस दिन सूर्य देव अपने पुत्र शनि से मिलने उनके घर जाते हैं। शनि देव मकर राशि के स्वामी हैं और इसलिए इस दिन को मकर संक्रांति के नाम से जाना जाता है। महाराजा भागीरथ ने अपने पूर्वजों के तर्पण के लिए वर्षों तक तपस्या करके गंगा जी को पृथ्वी पर आने के लिए विवश कर दिया। मकर संक्रांति में ही भागीरथ ने अपने पूर्वजों का तर्पण किया था। संक्रांति के दौरान किसानों के घर अन्न का भंडार लग जाता है, फसलों की कटाई होती है और ऐसे में संक्रांति में इसकी खुशियां भी मनाई जाती हैं। किसान इस नए अनाज की पूजा करते हैं और प्रकृति का शुक्रिया अदा करते हैं। इस दिन स्नान, दान, तप, जप, श्राद्ध और अनुष्ठान का महत्व है। कहते हैं इस दिन किए गए दान से 100 गुना पुण्य की प्राप्ति होती है। इस दिन गंगा स्नान और गंगा तट पर दान की विशेष महिमा है। भारत के अलग अलग प्रांतों में मकर संक्रांति का पर्व विभिन्न नामों और तरीकों से मनाया जाता है, लेकिन हाँ, कई बार ऐसा भी होता है कि ये त्योहार 14 की बजाय 15 जनवरी को भी सेलिब्रेट किया जाता है। अब फ्रेंड्स, आपको बताते हैं कि संक्रांति का ये पर्व किस तरह से इंडिया में सेलिब्रेट किया जाता है और किन नामों से इसे जाना जाता है। उत्तर प्रदेश में मकर संक्रांति को खिचड़ी पर्व कहा जाता है। इस दिन स्नान का विशेष महत्व होता है। यही वजह है कि इलाहाबाद के संगम में और वाराणसी में गंगा में डुबकी लगाने लोग पहुंचते हैं। स्नान के बाद सूर्य की पूजा की जाती है। जो लोग गंगा में स्नान नहीं कर पाते, वे अपने घरों में ही स्नान करते हैं। इस दिन स्नान करने का विशेष महत्व है। तिल और चावल के लड्डू खाए जाते हैं, चावल और दाल की खिचड़ी खाई जाती है और दान की जाती है, साथ ही पतंगबाजी भी की जाती है। गुजरात और राजस्थान में इसे उत्तरायण पर्व के रूप में मनाया जाता है। पतंग उत्सव का आयोजन किया जाता है। आंध्र प्रदेश में इसे संक्रांति कहा जाता है। यहाँ ये फेस्टिवल 4 दिनों तक सेलिब्रेट किया जाता है। ये तेलुगु लोगों का बहुत बड़ा उत्सव होता है। पहले दिन भोगी मनाया जाता है। इस दिन घर के बेकार चीजों को जला दिया जाता है। माना जाता है कि इससे दरिद्रता दूर होती है और इस आग की रोशनी में जिंदगी की नई राह दिखाई देती है। दूसरे दिन मकर संक्रांति मनाया जाता है। इस दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करने के बाद नए कपड़े पहने जाते हैं, तरह तरह के व्यंजन पकाए जाते हैं और ईश्वर की आराधना के साथ ही पूर्वजों को भी याद किया जाता है और भोजन उन्हें भी प्रसाद के रूप में चढ़ाया जाता है। इस दिन साउथ में अलग ही रौनक देखने को मिलती है। घरों के बाहर खूबसूरत रंगोली बनाई जाती है जिसे मुगु कहते हैं। घरों को फूलों से सजाया जाता है। तीसरे दिन कन्नुमा मनाया जाता है। इस दिन नॉनवेज की पार्टी की जाती है। दूर दूर से लोग एक दूसरे से मिलने आते हैं। मकानुमा के साथ इस त्योहार की समाप्ति हो जाती है।
आंध्र प्रदेश में मकर संक्रांति पर कॉक फाइट भी काफी मशहूर है। मुर्गों की लड़ाई से पहले इनके पांव में पतले चाकू बांधे जाते हैं। इसके बाद शुरू होती है मुर्गों की जानलेवा लड़ाई। गुंटूर, कृष्णा, पूर्वी गोदावरी और पश्चिमी गोदावरी जिले में मुर्गों की लड़ाई काफी मशहूर है। तमिलनाडु में भी इस त्योहार को पोंगल के रूप में 4 दिन तक मनाते हैं। प्रथम दिन भोगी पोंगल, दूसरे दिन सूर्य पोंगल, तीसरे दिन मट्टू पोंगल और केनू पोंगल और चौथे और आखिरी दिन कन्या पोंगल मनाया जाता है। इस दिन बेटी और जमाई का विशेष रूप से स्वागत किया जाता है, उन्हें गिफ्ट दिए जाते हैं। इस दिन जल्लीकट्टू का भी आयोजन किया जाता है। इसमें इंसानों और बैलों की लड़ाई होती है। बुल फाइट की तैयारी में ग्रामीण पोंगल से कई महीने पहले से जुटे रहते हैं। जल्ली का अर्थ होता है सिक्का और कट्टू का अर्थ होता है बंधा हुआ। इस खेल के दौरान सांडों के सिंह में कपड़ा बंधा होता है। इस कपड़े में पुरस्कार राशि होती है। पुरस्कार राशि को हासिल करने के लिए लोग सांड के कुपड़ को पकड़कर कुछ देर के लिए लटक जाते हैं। इसे सांड वश में आ जाता है। खेल की शुरुआत में एक दौड़ते हुए सांड को भीड़ में छोड़ दिया जाता है। इस खेल में प्रतियोगी सांड की कुपड़ को तब तक पकड़े रखता है जब तक कि वो वश में ना हो जाए। हालांकि ये जोखिम भरा गेम है लेकिन संस्कृति से जुड़ा है। महाराष्ट्र में इस दिन सभी विवाहित महिलाएं अपनी पहली संक्रांति पर कपास तेल और नमक दूसरी सुहागिन महिलाओं को दान करती हैं। तिलगुड़ नामक हलवे के बांटने की प्रथा भी है। लोग एक दूसरे को तिलगुड़ देते हैं और देते समय बोलते हैं तिलगुड़ घया आणी घोड़ घोड़ बोला, अर्थात तिलगुड़ लो और मीठा मीठा बोलो। पश्चिम बंगाल में भी इस फेस्टिवल को सेलिब्रेट किया जाता है। स्नान के बाद तिल दान करने की प्रथा है। यहाँ गंगा सागर में हर साल विशाल मेला लगता है। मकर संक्रांति के दिन ही गंगा जी भगीरथी के पीछे पीछे चलकर कपिल मुनि के आश्रम से होकर सागर में जा मिली थी। मान्यता ये भी है कि इस दिन यशोदा ने श्री कृष्ण को प्राप्त करने के लिए व्रत किया था। इस दिन गंगा सागर में स्नान दान के लिए लाखों लोगों की भीड़ होती है। लोग कष्ट उठाकर गंगा सागर की यात्रा करते हैं। वर्ष में केवल एक दिन मकर संक्रांति को यहाँ लोगों की अपार भीड़ होती है। इसलिए कहा जाता है सारे तीर्थ बार बार, गंगा सागर एक बार। हुगली नदी पर गंगा सागर मेला लगता है। असम में भोगली बिहू के नाम से इस पर्व को मनाया जाता है। पंजाब में भी इसे लोहड़ी के रूप में एक दिन पहले 13 जनवरी को ही मनाया जाता है। इस दिन अंधेरा होते ही आग जलाकर अग्निदेव की पूजा करते हुए तिल, गुड़, चावल और भुने हुए मक्के की आहुति दी जाती है। इस सामग्री को तिलचौली कहा जाता है। इस अवसर पर लोग मूंगफली, तिल की बनी हुई गजक और रेवड़ियां आपस में बांटकर खुशियां मनाते हैं। बहुएं घर घर जाकर लोक गीत गाकर लोहड़ी मांगती हैं। नई बहू और नवजात बच्चे के लिए लोहड़ी का विशेष महत्व होता है। इसके साथ ही पारंपरिक मक्के की रोटी और सरसों के साग का आनंद भी उठाया जाता है। फ्रेंड्स, तमाम मान्यताओं के बीच क्या आप जानते हैं संक्रांति का वैज्ञानिक महत्व भी है। मकर संक्रांति के समय नदियों में वाष्पन क्रिया होती है, इससे तमाम तरह के रोग दूर हो सकते हैं। इसलिए इस दिन नदियों में स्नान करने का विशेष महत्व है। मकर संक्रांति के समय उत्तर भारत में ठंड का मौसम रहता है। इस ठंड में तिल गुड़ खाना सेहत के लिए अच्छा रहता है। इससे शरीर को एनर्जी मिलती है। ये ऊर्जा सर्दी में शरीर की रक्षा करती है। इस दिन खिचड़ी का सेवन करने का भी वैज्ञानिक महत्व है। खिचड़ी पाचन को दुरुस्त रखती है। अदरक और मटर मिलाकर खिचड़ी बनाने पर ये शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाती है और बैक्टीरिया से लड़ने में मदद करती है। पुराण और विज्ञान दोनों में सूर्य की उत्तरायण स्थिति का अधिक महत्व है। सूर्य के उत्तरायण होने पर दिन बड़ा होता है, इससे मनुष्य की कार्य क्षमता में वृद्धि होती है, मानव प्रगति की ओर अग्रसर होता है। प्रकाश में वृद्धि के कारण मनुष्य की शक्ति में वृद्धि होती है। इस दिन से रात छोटी और दिन बड़े होने लगते हैं। दिन बड़ा होने से सूर्य की रोशनी अधिक होगी और रात छोटी होने से अंधकार कम होगा। इसलिए मकर संक्रांति पर सूर्य की राशि में हुए परिवर्तन को अंधकार से प्रकाश की ओर अग्रसर होना माना जाता है। हमारा वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल बटन दबाएं ताकि हमारे वीडियो आप आगे भी देख सकें।